मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो आपको किस तरह वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए कि वो टेस्ट जो है वो प्रॉपर आए, और किस तरह वो जो यूरिन है बेसिकली वो कैसे आपको कलेक्ट करना है, कैसे वो यूरिन यूज करना है और कौन सा यूरिन यूज करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब फीमेल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं तो उस टाइम सबसे पहले आप जब पीरियड मिस हो जाता है तो अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, बट वो जो टेस्ट है वो आपका वैलिड आए, वो सही आए, वो जो लाइन है अगर हल्की आती है किन किन केसेस में आ सकती है उसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, मैं लास्ट में लिंक लगा दूंगी। और अगर आपको वो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो कैसे करना है वो सब चीज भी है, और कब कब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आ सकता है वो भी वीडियो चैनल पे है, उसका लिंक भी लगा दूंगी। पर आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट हम करते हैं तो उसमें जो सैंपल है वो यूरिन सैंपल होता है, तो वो यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो वो यूरिन सैंपल है वो आपका मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए, सुबह का सैंपल होना चाहिए। अब कुछ फीमेल्स बोलेंगे क्यों हम शाम का सैंपल नहीं ले सकते, दोपहर का सैंपल से नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे रिसीव होंगे, क्वेरीज आएंगी आपकी। तो देखिए वो जो आपका मॉर्निंग सैंपल है वो आपका रुका हुआ टॉयलेट है पूरी रात भर का, क्योंकि आपने पानी नहीं पिया है, तो वो जो सैंपल है वो आपका कंसेंट्रेटेड यूरिन है। उसके अंदर जो हार्मोन है जिस पर ये किड्स काम करती हैं बीटा एचसीजी, उस हार्मोन का अमाउंट आपके यूरिन में कंसेंट्रेटेड है, ज्यादा मिलने के चांसेस मॉर्निंग में ज्यादा है क्योंकि उसमें पानी नहीं है, पानी का अमाउंट कम है। पूरा दिन में आप पानी कंज्यूम कर रही हैं तो जो आपका यूरिन है वो डाइल्यूट हो गया है, पतला हो गया है, तो अब उसके अंदर जो हार्मोन का अमाउंट कम हो सकता है, तो हो सकता है प्रेगनेंसी होते हुए भी यूरिन जो किट है बेसिकली वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसीलिए एडवाइस होता है कि जो सैंपल लेना है वो अर्ली मॉर्निंग का लेना है, यूरिन सुबह का पहला जो टॉयलेट है वो आपको यूज करना है उसके लिए। दूसरा, आपको जब आप वो यूज करें, कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह उठते ही वो दो ग्लास पानी पीते हैं फिर वॉशरूम यूज करते हैं, तो आपको पानी नहीं पीना है, बिना पानी पिए आपको वो यूरिन यूज करना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो यूरिन है आप उसको कैसे कलेक्ट करें। देखिए आप चाहें तो जो किट आती है उसका जो पाउच होता है उसमें भी यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई टम्बलर ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, आप उसमें कलेक्ट कर सकती हैं, और उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल पानी उस बर्तन में नहीं होना चाहिए। एक और चीज, जो ये यूरिन सैंपल है ये जनरली एडवाइज होता है कि मिड स्ट्रीम होना चाहिए। मिड स्ट्रीम मतलब कि जब हम टॉयलेट करना स्टार्ट करते हैं, हम यूरिन पास करते हैं, तो जो इनिशियल थोड़ा सा यूरिन होता है उसको पास करने दीजिए, जो बीच का है उसको स्टोर कीजिए, और उसके बाद वाले को भी आप पास होने दीजिए। तो मेनली इसमें जो बीच वाला यूरिन है वो हमारा मोस्ट कंसेंट्रेटेड यूरिन है, जिसके अंदर बीटा एचसीजी हार्मोन पाने के चांसेस सबसे ज्यादा है कंसेंट्रेटेड अमाउंट में, इसीलिए हमें मिड स्ट्रीम देना चाहिए। अब फीमेल्स क्या गलती करती हैं कि वो जब सैंपल लेती हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 3 ड्रॉप्स ही चाहिए होते हैं, तो शुरू का सैंपल ले लेती हैं और उसी से टेस्ट कर लेती हैं, और प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते हुए भी वो निराश हो जाती हैं और उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। तो हमें क्या क्या चीजों का याद रखना है, अगर हम एक बार समराइज करें तो हमें सुबह का पहला सैंपल लेना है टॉयलेट का, दूसरा हमें जो है उससे पहले पानी नहीं पीना है, तीसरा हमें मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से शुरू किया थोड़ा सा टॉयलेट लें और उसी से आप सैंपल अपना टेस्ट कर ले, नहीं, आप अगर चाहें तो पूरा एक जगह स्टोर करके उस पूरे में से सैंपल ले सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा पास करके उसके बाद वाला लेना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि कई बार फीमेल सिर्फ शुरू वाले से कर लेती है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा शुरू का पास करके फिर उसे स्टोर कर सकती हैं तो ठीक है, रोक के आप उसे स्टोर कर सकती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को जब मैं यूरिन पास करना स्टार्ट करूंगी फुल यूरिन एक साथ निकल जाएगा, तो आप सारा स्टोर कर लीजिए और फिर उसमें से सैंपल लीजिए। बट कभी भी ये गलती मत कीजिए कि सिर्फ शुरू का थोड़ा सा आपने यूरिन पास करके कहीं पर स्टोर किया और उसमें से सैंपल ले लिया। सो आई होप मैंने यूरिन किस तरह से स्टोर करना है, कैसे वो यूज करना है, इसके बारे में आपको बता दिया है। एक और चीज जो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर किट के ऊपर मेंशन है कि 3 ड्रॉप्स लेना है तो 3 ही ड्रॉप का सैंपल डालिए, उसे ज्यादा सैंपल मत डालिए।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिले। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो वीडियोस डेली आती हैं, चैनल को ऑन कीजिए और उसमें वीडियो सेक्शन में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच।